डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा वहां पे ऑल लेक्चर्स का प्ले का लिंक मिलेगा सभी लेक्चर्स वहां पे आपको एक वन बाय वन देखने के लिए मिलेंगे जरूर ओके okay? एंड आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है यूनिट वन का यूनिट वन हम आज फिनिश करने जा रहे हैं एंड इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सीरीज लॉन्च करेंगे यूनिट वन का उसमें मैं आपका प्रिपरेशन पूरा करवा के ले लूंगी सो लेट्स लर्न लुक एट दिस दिस इज द परमवीर चक्र यह जो है इसके बारे में ये पूरे आपको डिटेल्स में ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस लेसन में व्हाट इज द परमवीर चक्र ये किसके लिए दिया जाता है और किसे दिया जाता है एंड दिस इज रिगार्डिंग ओके सो चलिए चलते हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ये कोर्स आपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आपका जो लव एंड सपोर्ट हमारे चैनल को मिल रहा है थैंक्स अ लॉट फॉर दिस कीप सपोर्टिंग सो चलिए चलते शुरुआत कर देते हैं

उसको कोई भी तोड़ नहीं है ओके एक्सट्रॉर्डिनरी अन्य असाधारण एक्ट ऑफ ब्रेवरी ब्रेवरी यानी क्या बहादुरी आपने अतीत के महान नायकों और बहादुरी के उनके असाधारण कार्यों के बारे में सुना होगा बट इवन टूडे मेनी ब्रेव सोल्जर्स ऑफ आर कंट्री सेक्रीफाइस देयर ओन लीव फॉर आर सेफ्टी यहाँ पे देखिएगा ब्रेव सोल्जर्स यानी कि हमारे जो सैनिक हैं sacrifice sacrifice यानी कि क्या करते हैं वो अपने प्राणों की आहुति देते हैं अपनी पूरी जिंदगी देश के रक्षा के लिए हमारी रक्षा के लिए वो गवा देते हैं लेकिन आज भी हमारे देश के कई बहादुर सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं their brave deeds are honored by bestowing sorry their brave deeds are honored by bestowing military decorations on them यहां पे देखिएगा Their brave deeds, brave deeds उनके बहादुर बहादुरी के जो कार्य है जो काम करते हैं uh, डेकोरेशन का अर्थ यहाँ पे आएगा सम्मान चिन्ह जो कि भारतीय सैन्य में दिया जाता है उनके बहादुर कार्यों पर उनको सैन्य सम्मान चिन्ह द्वारा सम्मानित किया जाता है ओके okay? आप है, hope कि आपको ये समझ में आया है कि सम्मानित किया जाना। चक्रे चक्र भारत का का सर्वोच्च सैन्य सम्मान सम्मान चिन्ह चिन्ह। है। है मतलब पे मोस्ट ब्रेवरी और प्री एमिनट एक्ट ऑफ वालर और सेल्फ सैक्रीफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी वेदर ऑन लैंड एट सी और इन द एयर यहाँ पे देखिएगा हर एक वर्ड का मैं मीनिंग बताने जा रही हूँ इट इज अवॉर्डेड फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिशियस यानी यहाँ पे देखिए कॉन्स्पिशियस यानी विशेष शौर्य ठीक है यह जो है सबसे शौर्य या कुछ साहसी ब्रेवरी और सम डेयरिंग सम डेयरिंग या कुछ साहसी और द मोस्ट कॉन्स्पिशियस यानी कि विशेष शौर्य या फिर uh, कुछ साहसी और प्रीएमिनेंट एक्ट प्रीएमिनेंट एक्ट यानी पूर्व वीरता के जो एक्ट है प्रीमिनेंट एक्ट ऑफ वालर और सेल्फ सैक्रिफाइस ओके सेल्फ सैक्रिफाइस यानी कि अपना आत्मबलिदान देना इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी किसके सामने प्रेजेंस यानी कि एनिमी के प्रेजेंस यानी कि दुश्मन की उपस्थिति में वेदर ऑन लैंड चाहे वह जमीन पर हो एट सी चाहे वह समुद्र हो और इन द एयर चाहे वो हवा में हो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान चिन्ह है यह सबसे विशेष शौर्य कुछ साहस या पूर्वविता या आत्म बलिदान के प्रतिष्ठित कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है दुश्मन की उपस्थिति में चाहे वह जमीन पर हो समुद्र में हो या फिर हवा में हो द परमवीर चक्र इज अ वेरी रेयर ऑनर परमवीर चक्र एक बहुत ही दुर्लभ सम्मान है सो so फार अब तक इट हैज बीन अवार्डेड ओनली 21 टाइम्स अब तक यह केवल 21 बार सम्मानित किया गया है 21 बार ही दिया गया है 14 ऑफ दिस अवार्ड्स वर गिवन मरने के बाद भी से चौदह पुरस्कार मरने के बाद भी दिए गए हैं इन्फॉर्मेशन आगे की मेडल इट से सिंपल इन अपीरेंस अपरेंस यानी दिखने में यह बहुत ही सामान्य दिखता है मेडल इट इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज यानी कि कांसे से यह बनता है एंड इज फिटेड विथ स्वाइवल माउंटेन यानी की यह या और उसका जो कुंडा है स्वाइवल यानी कुंडा माउंटिंग यानी के ढांचे के साथ लगाया गया है और इट हैज अ प्लेन पर्पल रिबन पर्पल यानी बैंगनी कलर का एक रिबन है इसमें इस इसमें कौन सी कौन सी चीजें यहाँ पे देखिए इट इज मेड ऑफ ब्रॉन्स यह कांसे से बना है एंड इज फिटेड विथ स्वाइवल माउंटिंग और कुंडा ढांचे के साथ लगाया गया है फिट करना यानी लगाना स्वाइवल कि कुंडा और माउंटिंग यानी यानि ढांचे के साथ एंड हैज अ प्लेन पर्पल रिबन और इसमें एक बैंगनी कलर का रिबन भी है ऑन ऑब्जर्व करने निरीक्षण करने पर इंडियन में भारतीय राष्ट्रीय ऑफ इंद्राज वज्र रिवर ओके यहाँ पे देखिएगा की सराउंडेड बाय फोर रेप्लिक ऑफ इंद्राज वज्र यानी कि, कि इंद्र के वज्र की चार प्रतिकृति से यह घिरा हुआ है ऑन द रिवर्स रिवर्स यानी कि पीछे लिखना बोलेंगे यहाँ पे दर्ड्स परमवीर चक्र आर एंग्रेव इन हिंदी एंड इंग्लिश की ये परमवीर चक्र को हिंदी और अंग्रेजी में लिखाया गया है विथ टू लोटस फ्लावर इन बिटवीन लोटस यानी कि क्या की कमल जिसके बीच में दो कमल के फूल है परमवीर चक्र मेडल वॉज डिजाइन बाई सावित्रीबाई खानोलकर और ये जो परमवीर चक्र है इस पदक, पदक का जो डिजाइन है ये ने किया था। वह एक European महिला थी, इंडियन आर्मी ऑफिसर जिन्होंने भारतीय सेना के अधिकारी विक्रम खानोलकर से शादी की थी सावित्री बाई लव इंडिया एंड टुक इंडियन सिटीजनशिप और उनको सावित्रीबाई ने भारत से प्यार किया और भारतीय नागरिकता भी ली शी स्पोक स्पोक मराठी यानी बोलना वो कौन कौन सी भाषाएं बोलती थी मराठी संस्कृत एंड हिंदी फ्लुएंटली यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही साफ तरीके से एंड एंड हैड स्टडीड इंडियन आर्ट्स इन डेप्थ और उन्होंने भारतीय कला और परंपरा ट्रेडिशन यानी परंपरा आर्ट्स यानी कला उन्होंने भारतीय कला और परंपराओं का गहराई से अध्ययन किया था डेप्थ यानी गहराई से स्टडी यानी अध्ययन करना ठीक है नेक्स्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पे देखिएगा ये 21 प्रिविस्ट ऑफ द ब्रेव परमवीर चक्र जिन जिन को मिले थे सो so, उनके नाम यहाँ पे हैं मेजर सोमनाथ शर्मा सेकंड वन इज लान्सिंग नायक करम सिंह सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघव बारे नायक जादुनाथ सिंह कंपनी हवलदार मेजर पीरू कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया मेजर धान सिंह थापा सुबेदार जोगिंदर सिंह नेक्स्ट मेजर शैतान सिंह कंपनी क्वार्टर मास्टर हवीलदार अब्दुल हमीद लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुर्जोरजी तारापोरे लैंस नाइक अल्बर्ट एक्का सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतारपाल मेजर होशियार सिंह नाइब सुबेदार बाना सिंह मेजर रामस्वामी परमेश्वरन लेफ्टिनेंट मनोज कंवर पांडे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव राइफलमन संजय कुमार कैप्टन विक्रम बत्रा, फ्लाइंग ऑफिसर निर्म, निर्मल सिंह जीत ओके और इस स्टोरी में इस लेसन में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है दिस इज अबाउट द पर्सन निर्मल जीत सिंह सेखन ओके okay? उनके बारे में भी जानकारी ले लेंगे हम लेकिन उससे पहले पढ़ते है कि ये जो ब्रेवरी अवार्ड है परमवीर चक्र इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इंद्राज वज्र और थंडरबोल्ट थंडरबोल्ट यानी कि वज्र इंद्र यानी कि इंद्र तो आपको पता है जो भगवान थे भगवान इंद्र उनका जो वज्र था इंद्र का वज्र या वज्र इस सपोज टू बी अ मैचलेस वेपन मैचलेस यानी अतुलनीय वेपन यानी एक अस्त्र माना जाता है बट व्हाट मेक्स द वेपन इनविंसिबल इज द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ द सेक दादीची, जी okay? ओके लेकिन जो चीज अजय है वह अजय ऋषि ददीची का सर्वोच्च बलिदान है यानी कि जो ऋषि मुनि थे सो उनका ये बलिदान है पढ़ेंगे कैसे इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी आपको दी गई है अकॉर्डिंग टू लेजेंड यानी पौराणिक कथान कथान के अनुसार थाउजेंड्स ऑफ इो हजारों साल पहले स्टोलन ऑल द वॉटर इन वर्ल्ड एक दानव ने डेमन यानी डेमन याने, याने दानव ने पूरे दुनिया का सारा पानी चुरा लिया था इनोसेंट पीपल वर सफरिंग एंड डाइंग विदाउट वाटर और निर्दोष लोग पानी के बिना पीड़ित हो गए थे थे और मर रहे दिस कुड नॉट बी बाय एनी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी वेपन मेड ऑफ मटेरियल लाइक वुड मेटल एट्सिट्रा अभी ये जो डेमोन था ये जो दानव था ये तो डिफिट करना यानी उसको जो मात देना था उसको हराया जा सकता था लेकिन उसको किसी भी ऑर्डिनरी वेपन यानी कि जो भी साधारण वेपन है अस्त्र है उससे या फिर जो इसी, किसी साधारण वस्तु से है यानी कि मटेरियल यानी कि वस्तु से लाइक वुड यानी कि लकड़ी से बना है मेटल या फिर धातु से बना है इनसे उसको हराया नहीं जा सकता था समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या यानी कि तो असाधारण जो बहुत ही पावरफुल वेपन हो समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज रिक्वायर्ड इसके लिए कुछ तो असाधारण चाहिए था

okay and just as the indra vajra uh, okay weapon of thunderbolt was फैशन फैशन Fashion का यहाँ पे लिखी है. फैशन का मतलब क्या है कि निर्माण करना फैशन यानी कि निर्माण करना वॉज फैशन फ्रॉम दिस बोन्स एंड द डेमन वॉज डिफिटेड सो ये जो हड्डियां थी उन, उनसे ये निर्माण किया गया अस्त्र था और इससे उस दानों को हराया गया था जस्ट एज द इंदिरा वज्रा डिराइव पावर फ्रॉम सेज दी बोन्स जिस प्रकार जस्ट एज जिस प्रकार ऋषि ददीची की अस्थियों से इंदिरा वज्र ने शक्ति प्राप्त की थी द इंडियन मिलिट्री डिराइव इट्स स्ट्रेंथ उसी प्रकार भारतीय सेना ने उनकी जो स्ट्रेंथ है यानी की जो ताकत है एंड पावर जो शक्ति है बलिदान और जो शक्ति है फ्रॉम द सेक्रीफाइस ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव द परमवीर चक्र होल्डर्स इसी तरह से भारतीय सेना ने परमवीर चक्र धारकों के सबसे बलवान के बलिदान और शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त की थी सो ही इज द पर्सन हिज नेम इज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सिकॉन ओके इनके बारे में ये स्टोरी है ये बहुत ही कम कम उम्र के अलाइंग uh, ऑफिसर थे कि जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था और इनको जो लास्ट वाला ट्वेंटी फर्स्ट वाला ब्रेवरी वर्ड है ये दिया गया था परमवीर चक्र जिसे हम पढ़ रहे हैं अभी अभी इनकी स्टोरी पढ़ लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में आई है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सिखों वन जीरो एट डबल सेवन एफ पी पीवीसी स्क्वाडन नंबर एटीन द फ्लाइंग बुलेट्स इनका वर्णन किया है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह से

Uh, जो एयरक्राफ्ट था बाय द टाइम द रनवे वाज क्लियर और जब तक कि रनवे साफ होता है जहां पे रनवे यानी कि जहां से लैंड करते हैं एयरक्राफ्ट यानी कि आपके जो प्लेन्स हैं वो जो पोर्शन होता है उसको बोला जाता है रनवे द एनिमी एयरक्राफ्ट वर ओवरहेड तब तक दुश्मन के विमान आगे बढ़ चुके थे ओवरहेड यानी आगे बढ़ना दे वर फ्लाइंग लो वे कम उड़ान भर रहे थे फायरिंग

और उन्होंने उसने दुश्मन के शक्तिशाली सवार का मुकाबला करना शुरू कर दिया उन्होंने से दो को मार गिराया। पे एक फ्रेज आई है कि हमलावर विमान के साथ उनकी लड़ाई अब पेड़ की चोटी पर जा रही थी बहुत ही हाई उड़ान भरके उनकी लड़ाई जा रही थी एट लास्ट द एनिमी एयरक्राफ्ट फ्लड फ्रॉम द सीन ऑफ बैटल और हवाई क्षेत्र लेकिन ओके एट लास्ट श्रीनगर पे इसका मतलब देखिएगा कि फ्लैट फ्रॉम एट लास्ट यानी कि आखिर में द एनिमी एयरक्राफ्ट फ्लैट फ्रॉम द सीन ऑफ बैटल कि आखिर में कि जो एनिमी थे यानी कि हमारे जो दुश्मन थे कि उनके जो विमान थे उनकी भी दुर्घटना हो गई थी और उनको उन्होंने मार गिराया था एंडी द विदैकिंग एयरक्राफ्ट नाउ कंटिन्यूड ऑफ दाइट एट लास्ट एयरक्राफ्ट फ्लैड फ्रॉम द सीन ऑफ बैटल द एयरफी एंड द टाउन ऑफ श्रीनगर वर से इस तरह से उन्होंने हवाई क्षेत्र शहर को बचा लिया था बट अस लेकिन अफसोस अलास यानी अफसोस फ्लाइंग ऑफिसर सैकॉन्स एयरक्राफ्ट के फ्लाइंग ऑफिसर सैकॉन्स जो थे उनका जो एयरक्राफ्ट था जो विमान था टू यानी कि उनका विमान भी क्रैश हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी वह मारे गए

परे बेजोड़ वीरता दिखाई थी कर्तव्य के परे यानी कि उन्होंने पूरी अपनी जान नचावर करके खुद को खुद का बलिदान देके हमारे देश को बचा लिया था सल्यूट टू द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव सल्यूट करना यानी कि सलाम करना कि सल्यूट टू द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव यानी कि बहादुरों के सबसे बहादुर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो की फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो इनको हमारा सलाम पे देखिएगा कि अगर आपको आपके ये में पैराग्राफ आया है कि कि आप इस पर पर कर अधिक जानकारी हासिल सकते हैं अबाउट दीवीसी अवार्ड इज हुआ लिव इन सर्विस ऑफ द कंट्री और उन वीरतापूर्ण पीवीसी पुरस्कार विजेताओं के बारे में जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन लगा दिया

एंड फिजिकल पेन यानी शारीरिक दर्द अपने घातक घाव और शारीरिक दर्द की चिंता किए बिना विदाउट एनी रिगार्ड यानी कि चिंता किए बिना दुश्मन का सामना करने वाली प्रेरणादायी जानकारी को खोजे और पढ़े कि यहाँ पे आपको कहा है कि इंस्पायरिंग यानी प्रेरणादायी अकाउंट्स यानी जानकारी कि इन सभी के बारे में आप इस डब्ल्यू 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 डॉट परमवीर चक्र डॉट कॉम पे जाके इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो कि उन्होंने क्या किस तरह से दुश्मनों को मार गिराया किस तरह से हमारे देश को उनको गौरव है नाज है एंड ऑफ कोर्स आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स क्लास सिक्स इंग्लिश बुक यूनिट नंबर परमवीर फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी मुझे कमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि आपको ये लेक्चर चाहिए सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू टीच यू एंड आई होप कि आपको समझ में आया है इसी तरह से पढ़ाई करते रहिएगा और जल्दी हम स्टार्ट करेंगे का